ठंडा मिलता ही नहीं हमारी दुकान पे, ये तो हमारी खासियत है। सर टमाटर को कट करना होता है क्या? यस, टमाटर को कट करेंगे, इस पे मसाला मारेंगे, फिर इसके ऊपर से एक टमाटर का लेयर और आएगा। कस्टमर के सामने हम लोग सब कुछ बनाते हैं। अच्छा, इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट ज्यादा है हम लोग पर। वड़ा पाव में आपको शेजवान चटनी नहीं देगा, बट हम लोग 13 रुपए में सब कुछ देते हैं आपको, तीखा मीठा शेजवान सूखा मिर्ची मसाला सब। ये क्या कचौड़ी है सतीश भाई? नहीं नहीं ये लिट्टी है। लिट्टी? अच्छा लिट्टी है। हाँ हाँ, ये क्या पैटीज? यस पैटीज के लिए। टोटल कितने आइटम बनते हैं सतीश जी यहाँ पे? हमारे पास स्पेशल टमाटर वड़ा है, लिट्टी है, मिर्ची भजिया है, फ्लावर भजिया है, और अपने पास कटलेस है, समोसा है, और कभी कभी हम लोग कुछ नया आइटम भी बना देते हैं, जैसे आलू भजिया कांदा भजिया, ऐसे हम लोग बनाते नहीं हैं। जैसे मौसम अभी ठंडा हो तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे वो। तो आज हमारे लिए क्या यूनिक करेंगे अभी आप? आपके लिए हम तो यूनिक वही बनाने वाले जो आज इसलिए आप आए हो टमाटर वड़े के लिए, आपको वो आपको हम बना के खिला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो सभी आइटम आपके यहाँ पे पॉपुलर है, हम देख रहे हैं कि आधा घंटे में लगभग 50-60 कस्टमर तो हम देखेगा रिटर्न गए यहाँ से। नहीं, वो सब रिटर्न आएंगे अभी, क्या हमको पता है कि हमारा टाइम थोड़ा लेट से रहता है क्योंकि धूप रहती ना यहाँ पे, इसके लिए ज़्यादा हम लोग इसलिए लेट से लगाते हैं। बराबर। तो ऐसा टमाटर को कट करना होता है क्या? यस, टमाटर को कट करेंगे, इस पर मसाला मारेंगे, फिर इसके ऊपर से एक टमाटर का लेयर और आएगा। अच्छा, ये सुनील जी कैसा आइडिया आया यूनिक ऐसा? सर ये हमारे पापा का आइडिया है। अच्छा, तो ये सब पूरे पापा की देन है। हाँ सर जी प्रणाम। आपका क्या नाम है सर जी? अच्छा, तो आप कितने साल से कर रहे हो? 35 साल। 35 साल से? 35 साल से आप कर रहे हो और अभी सुनील जी हैंड ओवर कर रहे हैं। तो पहले से यही लगता है? पहले से यही लगता है। मैं 7-8 साल से तब से दुकान चल रहे, मैं आया था तब। हाँ हाँ। वैसे आप क्या करते हो सुनील जी? फिर अभी सर मेरा जॉब खत्म हो गया है, मतलब पढ़ाई खत्म हो गई, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब भी करता हूँ, शाम को बिजनेस भी देखता हूँ। तो आप क्या जॉब करते हो? मेरा बैंक में जॉब है सर। बैंक में? अभी रिसेंटली में 2 महीना हुआ है लगे। आपका पढ़ाई क्या हुआ है भाई? मेरा बीकॉम कंप्लीट है। ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब भी कर रहे हो और पापा को हेल्प भी कर रहे हो? यस yes। टमाटर डबल कर? हाँ टमाटर डबल कीजिए। देखिए अपना टमाटर बड़ा लगने जा रहा है और ये रहा इनका लिट्टी, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए इनका थोड़ा सा हाथ पीछे कीजिएगा आप। आपको कितना साल हुआ पापा को ज्वाइन करके? बोले लगभग 13 साल पकड़ लीजिए। 13 साल? अरे आपका एज कितना है फिर ऐसा? 23। 23? मतलब यानी आप 10 साल से थे तब यहाँ पे आ गए? बहुत छोटा था तब से पापा का हेल्प करता हूँ। अच्छा। और कोई भाई वगैरह सर को? हाँ भाई हैं, दो बड़े भाई हैं, एक दुकान और है हमारी। हाँ। टोटल हमारी 3 दुकानें, एक हमारे चाचा हैंड ओवर करते सेम प्रोडक्ट, और सेकेंड दुकान है जो बड़े भाई हैंडल करते हैं वहाँ पे। वो किधर है बताएंगे? हाँ वो है लिंक रोड पे, 90 फीट रोड है वहाँ पे, लिंक रोड के पास में 90 फीट रोड है, जस्ट उधर से एंटर मारते हैं आप लेफ्ट साइड में, आपको दुकान है फर्स्ट कॉर्नर पे, हमारी शॉप है भगत वड़ा पाव सेंटर ब्रांच 2 वो है। ओके। लेकिन फर्स्ट शॉप जो खुला था वो यहीं से? यही है। वो तो ऐसे लॉकडाउन में हमने खोला कि चलो चलते वहाँ पे। हाँ। जब हमारा ये शॉप बंद था स्टेशन के नियर में, सब कुछ बंद करवाया गया था। अच्छा। तो सबको वहाँ भी टेस्ट पसंद आया। हाँ। फिर वो रिटर्न कभी बंद ही नहीं हुआ।
तो टमाटर वड़ा के बीच में ऐसा मसाला भरता है। यस। बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं टमाटर वड़ा को। हाँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही, बहुत दूर दूर से आते कस्टमर खाने के लिए। और यूनिक आइटम भी है ये, इतने आसानी से तो किधर बनना है नहीं। टमाटर सब लगा लेंगे, जो स्पेशल यहाँ का मसाला वो नहीं मिलेगा आपको। ये बात होगी आपका, मसाला जो अंदर होना चाहिए सही वो नहीं है, वो हर जगह आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो खाली हमारे पास ही बनाते हैं, होममेड रहता है वो। राइट, होममेड रहता है। और ऐसे भी क्या आप बस टमाटर को बेसन के अंदर डीप करके डाला और वो कोई मज़ा नहीं आएगा? नहीं, वो मज़ा नहीं आएगा। जो आपका मसाला उसमें पड़ रहा है वो भी यूनिक है। टमाटर वड़ा को किसके साथ खाते हैं सुनील जी? इसके साथ पाव आएगा, पाव के साथ चार किस्म की चटनी आती है। अच्छा। तीखा। हाँ। तीखा, मीठा, सेजवान, सूखा। अच्छा, मसाला और प्लस मिर्ची। ये क्या है बोले इसमें? ये मेन मसाला ये है मसाला। अच्छा। हाँ, और हम कोई भी वड़ा पाव में आपको सेजवान चटनी नहीं देगा, बट हम लोग 13 रुपये में सब कुछ देते हैं आपको, तीखा, मीठा, सेजवान, सूखा, मिर्ची, मसाला सब। इसके लिए ये मुंबई का सबसे चीपेस्ट वड़ा पाव है, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता। आपका शॉप पूरा वीक में खुला ही रहता है क्या? यस, कभी कभी संडे ऐसा क्लोज कर देते, लेकिन बट एक दिन पहले हम लोग हर कस्टमर को अपडेट देते कि टुडे कल बंद रहेगा आपका। हाँ। और वैसा फिर आपका टाइम क्या होता है डेली का? डेली का हमारा शाम को 5 से लेकर रात को 10 बजे तक रहता है। वड़ा पाव चटनी कैसा रहेगा आपका? सब डाल रहे हैं तीखा। और ये कितने का हुआ अभी टमाटर वड़ा? टमाटर वड़ा 13 रुपये का है। 13 रुपये। हाँ। ब्रेड कटलेट वगैरह ये सब? अभी ब्रेड कटलेट निकलेगा, उसके बाद मिर्ची का भजिया निकलेगा, लिट्टी पहले निकलता है। क्या रहेगा चाचा बोलिए? हाँ, 2 मिनट गए, गर्म निकल रहा है। बैठिए ना इधर पे, तेरी जगह ये खाली है। कितना? 12 वड़ा पाव कर दूँ? ठीक है, 12 वड़ा पाव निकाल दो फटाक से। पा हटाओ बोलो। बोलिए क्या रहेगा आपका, क्या दे दूँ आपको? खाली पाव रहेगा आपका? पार्सल कर दूँ? चटनी कैसा डाल दूँ आपका, मिक्स कर दूँ? चटनी नीचे आपको है, सूखा डाल दूँ? कितना रहेगा आपका? 12 बोले, 18 कर दूं? 18 कर दीजिए, 11। अच्छा, मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, ले लीजिए, थैंक यू। कटलेस अभी आपके सामने चालू हो रहा है भाई। ठंडा कभी मिलता ही नहीं है। मुझे मालूम है नहीं, लेकिन हाँ ये बोलो तो मैं। तीखा रहेगा ना आपका? हम लोग 5 से 6 पीस अधिक से अधिक बना। कहाँ से आए भाई? मीरा रोड से। अच्छा। चटनी आपका अलग से बांध देता हूँ भाई, उधर पानी का।
चटनी बोलिए, खाली तीखा मिर्ची चाहिए। दो मिनट के फ्राई कर रहे हैं, पाव मिर्चा फ्राई करो। क्या चाहिए आपको? चटनी बोलिए। हाँ थोड़ा थोड़ा डालू साइड में। ले लीजिए पलाय। अच्छा अब समोसा आएगा। हाँ अच्छा, उसको भी इधर ही आके बनाते हैं? यस, हमारे तो कस्टमर के सामने ही सब कुछ करते हैं। कस्टमर तीखा रहेगा चलेगा ना? वो तीखा नहीं है, जो आपकी इच्छा हो खा लीजिए। काटो ना। क्या बोले सुनील भैया, कस्टमर का क्या? कस्टमर के सामने हम लोग सब कुछ बनाते हैं। अच्छा, घर से बना बनाया कुछ भी नहीं? जो कुछ भी नहीं, पूरा सामने कस्टमर के सामने ही बनता है, इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट ज़्यादा है हम लोग पर। जी जी जी। और अंकल तब बता रहे थे ना कस्टमर को, यहाँ दो मिनट से ज़्यादा ठंडा आइटम रहता ही नहीं है। ठंडा मिलता ही नहीं हमारी दुकान पे, ये तो हमारी खासियत है। बन के निकल गया तो दो मिनट में फिनिश। अभी ये सब स्टॉक रेडी हो रहा है, खाली मेरे को पता है कि अभी टाइम होने के बाद आएंगे कस्टमर। बराबर। अभी क्या है, सब जॉब से लाइन से छूटते हैं ना। हाँ। रात में जॉब छूटने के बाद कुछ चाहिए आपको? नमक ज़्यादा लगता है आपका। बातचीत करने का तरीका भी बहुत सही है सुनील भाई, क्या ना कस्टमर को भी एक अलग उसमें फील आता है ना। अब इतने प्यार से बात करते हो ना, ये पहले से ही ये कुछ नया स्किल सीखा है आपने। हाँ अच्छा सही बात है पापा ने बोला है तो गलत तो होगा ही नहीं। हाँ वही बोल रहा हूँ, 35 साल का एक्सपीरियंस है, गलत तो होना नहीं है। सुनील भाई बोलिए ना, आपका यहाँ का टाइमिंग और एक बार लोकेशन बता देना ना। परफेक्ट वाला अभी बता दूँ? हाँ हाँ बता। हमारा स्पेशल हमारा इधर का टमाटर वड़ा है, कभी भी आइए आप विजिट किए। शाम को 5 से 10 हमारा दुकान ओपन रहता है, शनिवार से संडे ओपन रहता है। जिस दिन हमारा बंद रहेगा एक दिन पहले हम कस्टमर को अपडेट दे देंगे। और सेकेंड हमारा एड्रेस है कांदिवली वेस्ट में, जस्ट वेस्ट उतरते ही आपको बाजू में सरोवर होटल दिखेगा, जस्ट वही लेन पकड़ के आप आगे आइए और लेफ्ट साइड में आपको हमारी तरफ भाजी मार्केट दिखेगा। भाजी मार्केट में दूसरी थर्ड नंबर गाला हमारा ही है। और किससे पूछिए यहाँ पर टमाटर वड़ा किधर मिलता है आपको भाजी मार्केट में, कोई भी आपको बता देगा। ओके थैंक यू, चेंज दे दीजिए। अब समोसा डालेंगे। हाँ चटनी बोलो भाई।